परिवार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भला किड्स में। आज की जो वर्कशीट रहने वाली है 16 तारीख की रहने वाली है और वर्कशीट नंबर 4 है, कक्षा 6 की रहेगी और विज्ञान की है हिंदी मीडियम। और जो इंग्लिश मीडियम अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप देख सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया, मैंने सारी वर्कशीट जो है 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की ऑलमोस्ट सारी वर्कशीट डाल दी है सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अगर आपकी पिछली कोई छूट गई है जैसे 17 तारीख की करना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको देख लेंगे कि आपको कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, क्योंकि मैंने 17 तारीख तक जो ऑलमोस्ट सारी वीडियो जो है वर्कशीट की डाल दी है, ठीक है। अब ये जो वर्कशीट है इसमें हमें बताना है सजीव और निर्जीव वस्तुएँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और हमने जो पिछली वर्कशीट में हमने क्या काम किया था, ठीक है, उसमें हमें लिखा था ना 10 चीज़ों के नाम बताने थे कि पिछले स्कूल में और जो नए स्कूल में जो था क्या सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ा था। अब जो है हमें 10 सूची बनानी है सजीव और निर्जीव की। सजीव वस्तु वो होती हैं जो जिंदा होती हैं, जैसे मक्खी है, अध्यापक है, बिल्ली, कुत्ता, जो भी जिंदा चीज़ें होती है, पेड़ पौधे, खरगोश, गाय, बैल, चूहा, भालू, ठीक है, ये होती सजीव चीज़ें। निर्जीव चीज़ें वो होती हैं जो जिंदा नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे पेंसिल, स्कूल बैग, कुर्सियाँ, कपड़े, जूते, मैदान, लंच बॉक्स, रबड़, किताब, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चद्दर ले सकते हैं, जो जिंदा नहीं होती। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी, बहुत प्यारी सी और बहुत इजी थी। आई हो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले वर्कशीट करने के लिए और वर्कशीट के लिंक भी मैं डालता हूँ पूरे हफ्ते के, एक वीक के, पूरे वीक के एक साथ एक ही वीडियो में, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। 19 तारीख की जो वर्कशीट आएंगी तो उसके जो वर्कशीट के लिंक है वो सारे इकट्ठे में डाल दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप जो है अपने कर सकते हैं वर्कशीट कंप्लीट। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।